हाय गाइस, आज का टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिप्स। एलिप्स के दो टाइप्स होते हैं, दो विधियां होती हैं, मेथड होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, एक होता है आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो आज का टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, जिसमें मेजर एक्सिस 12 सेंटीमीटर है और माइनर एक्सिस 8 सेंटीमीटर। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मेजर एक्सिस लेते हैं 12 सेंटीमीटर, इसको बाईसेक्ट कहते हैं, जो 6 सेंटीमीटर की होगी, और बीच में एक पॉइंट बना लेते हैं। साथ ही इसके साथ माइनर एक्सिस 8 सेंटीमीटर को बनाते हैं, जिसमें 4 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर नीचे हो, और इसको हम सेंटर पॉइंट सी देते हैं और इसका नाम दे देते हैं मेजर एक्सिस को ए बी और माइनर एक्सिस को सी डी। अगर जिसको बाईसेक्ट करने के लिए करें तो 12 सेंटीमीटर रेडियस का दोनों साइड डिवाइडर में लेकर ए से और बी से ऊपर और नीचे आर्क लगाते हैं, और जो पॉइंट मिलते हैं उसको आपस में मिला देते हैं, तो बन जाता है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों आगे, कि सेंटर पॉइंट ओ से ओ ए या ओ बी एक रेडियस लेना है और सर्कल खींच देना है, एक मेजर सर्कल आएगा। फिर इसके बाद सेम बिल्कुल क्रमशः करस्पॉन्डिंग सी ओ और सी या ओ डी रेडियस लेना है और एक सर्कल बना देना है, जो एक छोटा सर्कल बनेगा, और सी लाइन को ऊपर थोड़ा और नीचे डी को बढ़ा देना है, ताकि ये बराबर हो जाए। अब इसमें क्या करना है, ओ और बी को रेडियस लेना है और ओ पे रख के ऊपर और नीचे बड़े वाले सर्कल में आर्क लगाना है। इसी प्रकार डी में रख के ऊपर और नीचे कट करना है, आर्क लगाना है ए से, और सी पॉइंट के ऊपर रख के इसमें आर्क लगा देना है। अब ये जो पॉइंट मिले हैं आर्क लगाने के बाद, सबसे पहले इनको नाम दे देना है और इनको आपस में मिला देना है, एक दूसरे को मिला दीजिए। 12 भाग कटते हैं, 12 पार्ट कुछ इस तरह से मिलाना है कि चक्र जैसा लगे। इन नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर इसमें सी डी लाइन के पैरेलल समांतर लाइन लेकर रोलर स्केल की सहायता से लाइन को नीचे ड्रॉ करना है, जैसे 4 को नीचे किया, 7 ऊपर और 5 नीचे, क्रमशः क्षैतिज रेखा या को परपेंडिकुलर लेक इनको भी ड्रॉ कर देना है आपस में, इस तरह जैसे दिखाया गया ड्राइंग डायग्राम में। और जो पॉइंट मिलते हैं इनको नाम दे देना है, P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट P11 और P12 तक। बस अब इनको P1 P2 P3 फ्रेंच कर्व की सहायता से इनको आपस में मिला देना है। फ्रेंच कर्व को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, किस तरीके से कहाँ मिल रहा है, तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं, और इसको सबसे ज़्यादा डार्क कर देना है थोड़ा। इस तरह से हमारा बन जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड द्वारा एलिप्स। ये एलिप्स बन के तैयार है, इसमें हम डार्क कर देते हैं और ये HB पेंसिल से रहेगा, इसे कहते हैं हम एलिप्स। अगला टॉपिक होगा आर्क ऑफ सर्कल मेथड।